फाइनल कीवर्ड इन जावा, द फाइनल कीवर्ड इन जावा इज यूज टू रेस्ट्रिक्ट द यूजर। ठीक है, जनरली हम लोग यूजर्स को बहुत सारे चीज़ों में रेस्ट्रिक्ट करते हैं। जब भी हम लोग कोई एप्लीकेशन बनाते हैं या फिर कोई प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, तो यूज़र को हम लोग को कुछ चीज़ों से रेस्ट्रिक्ट करना होता है। लाइक हमने कोई एक क्लास बनाया, उसके अंदर कोई एक वेरिएबल बनाया, हम नहीं चाहते कि यूज़र उसको यूज़ करे, या फिर जो मेथड हमने बनाया, हम नहीं चाहते कि मेथड जो हो दूसरे जगह पे एक्सेस हो पाए, या फिर हमने जो एक क्लास बनाया, हम नहीं चाहते कि उसको कोई दूसरे क्लास में इनहेरिट कर ले। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ हम लोग यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं। द जावा फाइनल कीवर्ड कैन बी यूज्ड इन मैनी कॉन्टेक्स्ट। फाइनल कैन बी वेरिएबल, मेथड, क्लास। तो फाइनल कीवर्ड हम लोग किस किस के साथ यूज कर सकते हैं? वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हैं, मेथड के साथ यूज कर सकते हैं, और क्लास के साथ हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। द फाइनल कीवर्ड कैन बी अप्लाइड विद द वेरिएबल्स। ए फाइनल वेरिएबल दैट हैव नो वैल्यू, इट इज कॉल्ड ब्लैंक वेरिएबल और अनइनिशियलाइज फाइनल वेरिएबल। अगर कोई हम लोग फाइनल वेरिएबल बनाए और उसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किए, तो वो उस केस पे ब्लैंक वेरिएबल माना जाएगा, और उसको या तो हम लोग अनइनिशियलाइज फाइनल वेरिएबल कहते हैं। इट कैन बी इनिशियलाइज इन द कंस्ट्रक्टर ओनली। हम लोग उस फाइनल वेरिएबल को सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर से ही इनिशियलाइज कर सकते हैं। द ब्लैंक फाइनल वेरिएबल कैन बी स्टैटिक, ऑल्सो विल बी इनिशियलाइज इन द स्टैटिक ब्लॉक ओनली। अगर हम लोग किसी भी फाइनल वेरिएबल को स्टैटिक बना देते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक ब्लॉक से ही इनिशियलाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पे जनरली फाइनल कीवर्ड जो होता है, वो किसी भी यूजर से हम लोग उस वेरिएबल को या मेथड को या क्लास को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। अब कैसे रेस्ट्रिक्ट करते हैं, यहाँ पे देखो, जैसे ही हम लोग किसी भी मेंबर वेरिएबल को, मेथड को या क्लास को हम लोग फाइनल बना देते हैं, तो यहाँ पे वो एक प्रकार का कॉन्स्टेंट बन जाता है। स्टॉप वैल्यू चेंज, ठीक है, उसकी वैल्यूज को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। स्टॉप मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है, अगर मेथड में हम लोग अगर फाइनल अप्लाई करते हैं, तो उस मेथड को हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते। स्टॉप इनहेरिटेंस, अगर क्लास में हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम लोग उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। तो जनरली ये तीन फीचर्स होते हैं इस फाइनल कीवर्ड के। वो कभी भी किसी भी अगर वेरिएबल पे अप्लाई किया जाता है, तो उसका जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। अगर हम लोग मेथड पे अप्लाई करते हैं फाइनल, तो उसको हम लोग कहीं पे भी ओवरराइड नहीं कर सकते। थर्ड होता है स्टॉप इनहेरिटेंस, अगर किसी क्लास में हम लोग अप्लाई करेंगे फाइनल कीवर्ड का, तो उस क्लास को हम लोग दूसरे क्लास में इनहेरिट नहीं कर सकते। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं जावा फाइनल वेरिएबल। If you make any variable as final, you cannot change the value of final variable. It will be constant. अगर हम किसी भी variable को as a final declare करते हैं, तो हम लोग उसकी value को change नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से, कोई भी method से, या direct हम लोग main method से भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक example हम लोग देखते हैं। Example of final variable, हमने यहाँ पे एक क्लास लिया है बाइक 9, देन उसके बाद हम लोग ने एक स्पीड लिमिट लिया है 90, ठीक है, इसका डेटा टाइप है इंट, और हमने इसको बना दिया फाइनल। यहाँ पे स्पीड लिमिट को हमने 90 से इनिशियलाइज किया है, देन उसके बाद हमने एक मेथड बनाया रन, देन उसके बाद स्पीड लिमिट इक्वल टू 400 हम लोग ने यहाँ पे दे दिया, 400 हम लोग ने दे दिया। तो स्पीड लिमिट की जो वैल्यू है, पहले 90 थी, अब हमने उसको चेंज किया 400 से। अब हम लोग इस बाइक 9 का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाइक 9 obj इक्वल टू न्यू बाइक 9, obj डॉट रन हम लोग ने कॉल कर किया। जैसे ही हम लोग इसको कॉल करेंगे, ये क्या करेगा, इस फाइनल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेगा, लेकिन फाइनल उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा। फाइनल क्या करेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा, क्योंकि ये एक प्रकार का कांस्टेंट बन चुका है। जितने बार भी हम लोग इस क्लास को रन करेंगे और इस स्पीड लिमिट नाम के
वेरिएबल को हम लोग एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं लेकिन हम लोग इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे अप्लाई किया फाइनल कीवर्ड। फाइनल कीवर्ड रेस्ट्रिक्ट करेगा इसकी वैल्यू को चेंज होने से, रेस्ट्रिक्ट करेगा इसकी वैल्यू को चेंज होने से, तो हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया फाइनल कीवर्ड वेरिएबल पे, जिससे हम लोग ने उस वेरिएबल को कांस्टेंट बना दिया। ओके, जावा फाइनल मेथड, इफ यू मेक एनी मेथड एज फाइनल यू कैनॉट ओवरराइड इट। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी फाइनल एज ए फाइनल हम लोग अगर किसी भी मेथड को बना देते हैं, मीन्स उसके सामने हम लोग फाइनल लगा देते हैं, तो क्या होगा, हम लोग उस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, क्लास बाइक। ठीक है, इसमें हम लोग ने एक मेथड बनाया रन, और हम लोग उस मेथड को बना दिए फाइनल, और यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन रनिंग। देन उसके बाद हम लोग ने एक क्लास बनाया होंडा, इस बाइक को हमने उसमें एक्सटेंड किया, देन उसके बाद हम लोग इस रन मेथड को यहाँ ओवरराइड कर रहे हैं। सेम सिग्नेचर हमने यहाँ पे यूज किया है, रन, कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं है, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं रनिंग सेफली विथ 100 किलोमीटर पर आवर। देन उसके बाद यहाँ पे होंडा का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाया, देन उसके बाद होंडा डॉट रन यहाँ पे मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। तो जैसे ही क्लास लोड होगा और इसको कॉल हम करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को कंपाइल टाइम एरर देखने मिलेगा। यहाँ पे बताएगा कि यू कैनॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड। तो यहाँ पे हम लोग को फाइनल कीवर्ड जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है इस रन मेथड को ओवरराइड करने से। फाइनल जब हम लोग मेथड के सामने लगा देते हैं तो वो अपने आप में एक कांस्टेंट बन जाता है, मींस इस मेथड को भी वो कांस्टेंट बना देगा, उसके लॉजिक को कांस्टेंट बना देगा, सबको कांस्टेंट बना देगा। मीन्स इसका सिग्नेचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए बुक हो चुका है सिंगल पैकेज के अंदर। अगर हम लोग सेम पैकेज यूज कर रहे हैं तो सेम पैकेज में हम लोग सेम रन हम लोग यूज नहीं कर सकते, और अगर कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास में ही हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग उसमें और दूसरे क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। मीन्स हम लोग इसको कहीं पे भी ओवरराइड नहीं कर सकते, सेम सिग्नेचर हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग को कंपाइल टाइम एरर देखने के लिए मिलता है। तो फाइनल कीवर्ड अगर हम लोग मेथड के सामने लगा देते हैं तो उसको रेस्ट्रिक्ट करता है ओवरराइड करने से। तो जावा फाइनल क्लास थर्ड है हमारा, जावा फाइनल क्लास, इफ यू मेक एनी क्लास एज फाइनल यू कैनॉट एक्सटेंड इट। मीन्स हम लोग अगर किसी भी क्लास को फाइनल बना देते हैं तो हम लोग उसको इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ने एक क्लास बनाया फाइनल क्लास बाइक, ठीक है, हमने इसमें कुछ भी नहीं लिया। देन उसके बाद एक और क्लास बनाया हम लोग होंडा वन एक्सटेंड बाइक, वॉइड रन हमने यहाँ पे बनाया और प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे रनिंग सेफली विथ 100 किलोमीटर पर आवर। देन उसके बाद हम लोग ने होंडा वन का ऑब्जेक्ट बनाया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया होंडा इक्वल टू न्यू होंडा वन होंडा डॉट रन यहाँ पे हम लोग ने कॉल किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाइक क्लास है उसको हमने एक्सटेंड किस में किया है, इस होंडा वन क्लास में किया है। तो हम लोग ने इसको बनाया है फाइनल, तो ये इनहेरिट हो ही नहीं सकता, ये क्लास इनहेरिट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को इस प्लेस पे एक एरर देखने के लिए मिलेगा, बाइक क्लास कैनॉट बी इनहेरिटेड। तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा कंपाइल टाइम एरर। अगर हम लोग किसी भी क्लास को एज ए फाइनल डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग उसको इनहेरिट नहीं कर सकते किसी भी दूसरे क्लास में। तो ये होता है जावा फाइनल क्लास।